हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिस्टर केसीवन। ये है थर्ड एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग ने खुद को नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड किया विद आर्मर ट्रिम, एंड आज के वाले वीडियो में हम लोग एक आयरन फार्म और एक बड़ा सा फूड फार्म बनाने वाले। बट उससे पहले, आजकल आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं कर रहे यार, क्या कर रहे हो? अभी के अभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। एंड आप लोगों को क्या अच्छा है, क्या बुरा लगा, उसका फीडबैक दो कमेंट में मुझे, जिससे मैं खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ। ओके, अभी मैं एक रूम टाइप बनाने वाला हूँ जिसमें मैं अभी विलेजर्स को ब्रीड करने वाला हूँ टेम्पररी। ओके, तो पूरा का पूरा हॉल रेडी है, अभी बस विलेजर्स को लाना है। उसके लिए मैं अभी फटाफट से कुछ रेज, माइनक्राफ्ट एंड बोर्ड्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके, बस अभी मुझे बोर्ड को अंदर प्लेस करना है ताकि विलेजर्स में बैठ जाए। एक बार बैठ गया तो अपना काम पूरा ईजी है। ऑल डन, अभी विलेजर बैठ चुका है। उसका बेड मैं तोड़ दिया, बेड को मैं फटाफट से कलेक्ट करता हूँ जिसको मैं ब्रीडिंग हॉल में लगाने वाला हूँ। ऐसे ही बेड का कमी है अपने पास। ओके, अभी विलेजर को इधर ही बंद करके रखते हैं। मैं फटाफट से अभी ट्रैक इधर बिछाता हूँ, उसके बाद लेके चलते हैं विलेजर्स को। ओके, मैंने रेल है माइनकार्ट बना लिया, अभी फटाफट से इधर ट्रैक मैं पूरा बिछा देता हूँ। ऑलरेडी अपना पहला विलेजर जा चुका है हॉल की तरफ, अभी अपने को सेकेंड विलेजर को लेके जाना है। ओके, अभी अपना सेकेंड विलेजर भी जा चुका है, एंड अभी स्टार्ट करते हैं आयरन फार्म बनाना। ओके, मैंने आयरन फार्म के लिए सारा सामान कलेक्ट कर लिया है, अभी बस अपने को बिल्डिंग स्टार्ट करना है। ओके, अभी अपने को इधर से पहले ऊपर जाना है 9 ब्लॉक, उसके बाद उसके ऊपर एक कॉबल स्टोन या फिर कोई भी ब्लॉक प्लेस करके उसके ऊपर एक पिस्टन प्लेस करना है। तो पिस्टन मैं लेके आया था, तो अभी पिस्टन को इधर प्लेस करते हैं। ये हो गया। अभी उसके नीचे वाले ब्लॉक से जहाँ पे अपने को कॉबल स्टोन लगाया था, मतलब हम लोग ने, उधर से एक रेस्टोन का क्लॉक बनाना है जो कंटिन्यूसली अपने पिस्टन को ऊपर और नीचे करता रहेगा। डूड, जस्ट चेक इट आउट, मुझे कौन सा ज़ॉम्बी मिला, हाथ में कॉबल स्टोन पकड़ाया हुआ भाई। ये इस ज़ॉम्बी को किसी भी हालत में मुझे सेव कर। ओके, बहुत गंदा वाला साउंड था, बट मुझे मेरा फट गया भाई क्रीपर देख के। मुझे कैसे भी ज़ॉम्बी को बचाना है, और पहले इन दोनों को पहले निपटाना पड़ेगा मुझे इसके लिए। और सुबह भी होने वाला है, उसके पहले मुझे इसको कवर करना पड़ेगा ताकि जल के मर ना जाए। भाई मेरे पे लिटरल नेम टैग नहीं है, मुझे लगा था मुझे नेम टैग लेकर जाना पड़ेगा वापस माइंड शॉप वगैरह ढूंढ में, बट अभी आई थिंक मुझे नहीं जाना पड़ेगा, इस ज़ॉम्बी मुझे मिल चुका है। ओके, मैं ज़ॉम्बी को फाइनली कवर कर दिया सुबह से पहले, एंड अभी अपने को नेम टैग लेने नहीं जाना पड़ेगा, मुझे ये वाला ज़ॉम्बी मिल गया भाई। किस्मत तो अच्छा है मेरा, मानो ना मानो, लेकिन मैं मरते मरते मैं एक बार लिटरल 3 हर्ट पे आ गया था। बट कोई बात नहीं, अभी अपना काम कंटिन्यू करते। ओके, क्लॉक बनाने के बाद उसके ऊपर मैंने 2x3 का प्लेटफॉर्म बना दिया, और उसके सामने अपने को 3 कंपोस्टर रखना है, एंड उन तीनों के ऊपर मुझे 3 ट्रैप डोर रखना है, एंड जो हम लोगों ने 2x3 का प्लेटफॉर्म बनाया था उसके ऊपर अपने को बेड रखना है, एंड उसको हम लोग को चारों तरफ से कवर कर देना है। ऐसे तो इसको ग्लास से करना चाहिए, लेकिन मेरे पे अभी ग्लास नहीं है, और मैं अभी स्मेल करने के लिए जाने भी नहीं वाला घर में, तो इसलिए मैं अभी कॉबलस्टोन से करने वाला हूँ। वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी ब्लॉक से कर सकते इस चीज़ को। एंड हम लोग ने जो पिस्टन लगाया था उसके एक ब्लॉक ऊपर राइट साइड में एक चेस्ट रख के उसके ऊपर से 5 हॉपर हम लोग को लगाना है, एंड उस चीज़ को हम लोग को वॉल से बाहर की साइड से पूरा कवर कर देना है, चारों तरफ से करना है कवर। अभी जो अपना सेंटर वाला हॉपर था उसके ऊपर 2 वॉल लगाना है, उसके ऊपर 8 साइड बोर्ड हम लोग को लगाना है, एंड उसके बीच में हम लोग को लावा डाल देना है, एंड अपना पूरा पूरा किलिंग चेम्बर रेडी है, बस अभी पानी डालना है दोनों तरफ से दो। ओके, मैं विलेजर लेके आ गया, अभी बस मेरे को ये वाला ज़ॉम्बी लेके जाना है। भाई किस्मत बहुत अच्छा है, मेरे को ये वाला ज़ॉम्बी मिल गया, वरना मुझे अभी नेम टैग ढूंढने जाना पड़ता। बस इस ज़ॉम्बी को इधर गिराना है भाई, गिर जाना भाई। ओके भाई, गिर गया। ये अपना फार्म अभी टोटली डन है, अभी बस इसको अपने को तोड़ के वॉल को वापस से लगा देना है, और अपना फार्म पूरा का पूरा रेडी हो चुका है अभी। डूड, अभी से गोलेम स्पॉन होने लग गया, ऑल डन। अपना किलिंग चेम्बर भी अभी टोटल रेडी है, और अभी गोलेम मरना स्टार्ट हो गया ब्रो, अभी टोटल 100% डन हो गया अपना पूरा का पूरा फार्म। बस अभी जो कच्चा पट्टी मैंने फैलाया हुआ है नीचे कॉबल स्टोन रेल का, ये मुझे साफ करना है, तो फटाफट से वो करते हैं, फिर बनाते अपना फूड फार्म। ऑल राइट, अभी स्टार्ट करते हैं फूड फार्म बनाना। इसको मैं आयरन फार्म की इधर ही बनाने वाला हूँ, तो पहले हम लोग को यहाँ चेस्ट लगाना है, एंड उसके बाद उस चेस्ट से हम लोग को हॉपर्स को कनेक्ट कर देना है, एंड हमको डर्ट को 7 ब्लॉक तक लगाना है क्योंकि वाटर 8 ब्लॉक्स ट्रैवल करता है, एंड अगर हम लोग 1 ब्लॉक कम रखेंगे तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब अगर हम लोग हाइट से उसको लगाते, मतलब फ्लो करवाते, तो सीधा नीचे तक आ जाएगा, एंड पूरा वेट जो है वो चेस्ट में आ जाएगा फिर। ओके, मैं विलेज से पूरा बड़ा सीड कलेक्ट करके ला चुका हूँ, एंड अभी हम लोग को पहले तो डिस्पेंसर लगाना है, मैं डिस्पेंसर भी लेके आया ऊपर, हम लोग को डिस्पेंसर लगाना है जो वाटर फ्लो करवाएगा, जिससे अपना पूरा का वेट जो है वो हार्वेस्ट होकर नीचे जाएगा। अभी अपने को दोनों तरफ पूरा टनल टाइप बनाना है जिससे वाटर फ्लो होगा, एंड उससे डर्ट जो है वो फार्म लैंड में कन्वर्ट हो पाएगा।
ऑलराइट, एक तरफ का पूरा टनल मैंने बना दिया। अभी पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि वाटर जो है वो नीचे तक जा रहा है कि नहीं। तो पहले अपने को इधर वाटर डालना है, तभी देखते हो जाएगा कि नहीं। आई थिंक मैं थोड़ा बहुत गड़बड़ किया इसमें। हाँ देखो, मुझे लगा ही था थोड़ा बहुत गड़बड़ किया इसमें, तो मुझे बस एक ब्लॉक तोड़ना है। डन, अब ये ठीक हो चुका है। अभी ये जहाँ तक मुझे लगता है ये नीचे तक जाएगा वाटर, तो अगर गया तो भाई ये सेम चीज़ अपने को दूसरी साइड पे कॉपी भी करना है। ओके, काम कर रहा है, तो मैं फटाफट से इसको सेकंड साइड पे बना देता हूँ। ऑलराइट, मैं दो तरफ वाटर फ्लो बना दिया है, एंड अभी बस इसको फार्म लैंड में कन्वर्ट करना है एंड रेस्टोन कनेक्ट करना है डिस्पेंसर से। ओके, अभी फटाफट से मैं रेस्टोन को डिस्पेंसर के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, मैं रेस्टोन भी कम्प्लीट कर दिया, अभी बस अब मुझे सामने ग्लास लगाना है। अपना पूरा पूरा फार्म जो है वो कम्प्लीट हो चुका है। ऑलराइट, आई एम बैक फ्रॉम 1.5 आर एफके एंड होप करता हूँ अभी अपना पूरा पूरा वीट जो है वो ग्रो हो चुका है। अगर नहीं हुआ भाई मैं रो दूंगा। ऑलराइट, पूरा पूरा वीट ग्रो हो चुका है और अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला मोमेंट। एंड देयर वी गो गाइस, अपना पूरा पूरा फार्म हार्वेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब पूरा पूरा वीट हार्वेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। एंड डन, पूरा पूरा हॉपर के अंदर भी जा चुका है। अभी देखते हैं चेस्ट में कितना आने वाला है, मैं वेट करता हूँ पहले उसका। सो चेस्ट के अंदर 4 स्टैक व्हीट एंड 11.5 स्टैक सीड कलेक्ट हुआ है, जो कि भाई बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें हम लोग पोटैटो या कैरेट लगाते हैं तो वो भी इतना ही आने वाला है। आई होप कि आई थिंक 4 या 5 स्टैक ही आने वाला है, तो मैं इसको बाद में पोटैटो से एक्सचेंज कर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर यहाँ तक वीडियो को देखे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड न्यू हो चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई, क्या कर रहे हो यार, करो अभी सब्सक्राइब अभी के अभी। एंड बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर देना। बाकी मैं जा रहा हूँ जंगल में झिंगा लाला डांस करने, तब तक लिए बाय बाय।